बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। कल हमने कोरोड्रा की क्लास वन स्टार्ट की थी, जिसको हम पूरे कोरोड्रा को स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, और हम उसी क्लास का आज यानी पार्ट टू लेके आया हूँ मैं, जिसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरह से नेक्स्ट चलाएँगे। मेरा पार्ट टू चल रहा है इस टाइम, अब पार्ट वन चल रहा है ये वाला। और कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल भी किए थे आज पर्सनली ग्रुप में भी, कि जो हमने पीछे छोड़ दिया था वो सेक्शन पूरा करवा दें, जैसे कि ये वाला। तो मैं पहले इसी को कवर करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। मैंने ये एक इस तरह से शेप ली, दो इनको कर लेता हूँ मैं इस तरह से, और इसको वेल्ड कर दें, इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी ये। अब इसमें स्मूथ वाला तो हो गया था, मैं बल्कि आपको स्मूथ का भी समझा देता हूँ। स्मूथ के लिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे देनी है, और यहाँ से आप इसको इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। ये एक स्मूथ की वैल्यूज़ दी हुई हैं इस तरह से, और अंडू करने से आप वापस इस तरह से आ जाएंगे। और अगर हम इसको कम करेंगे यहाँ से, तो ये जितना जल्दी हो रहा था अब कम हो गया है, और इसका जो ये सर्कल है इसको हम कम कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब ये कम कर रहा है, अभी वो ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कर रहा था, जैसे कि आप देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ये फ़र्क है इसका। मैं अंडू करके वापस इसको उसी हालत में लाता हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और ये स्मीर है, ये देखें इस तरह से आप ना इसको ड्रैग करके, ये इस तरह से मैंने अपनी मर्जी की कोई भी शेप इसी में से क्रिएट कर सकते हैं। इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है, कि जैसे ये एक ना गुंधी हुई मिट्टी होती है ना, उस टाइप का ये महसूस हो रहा है, इसकी फीलिंग्स कुछ इस टाइप की आ रही हैं, ठीक है। और ये देखें, और ये ठीक है, और इसको पॉइंट को हम थोड़ा शार्प भी कर सकते हैं। अब ये शार्प पॉइंट आ रहा है, ये इसका राउंड आ रहा था, ये मैंने यहाँ से चेंज किया, तो अब ये पॉइंट जो है ना ये शार्प आ रहा है। तो इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट चलते हैं एट्रैक्टिव रिपेल का सेवरल। ये वायरल होता है, इस तरह से क्लिक करेंगे हम, टेवरल के नाम से बना हुआ है, ये देखें आप क्लिक करके होल्ड करेंगे, ये उसी में इस तरह से घुमा देगा, क्लिक एंड होल्ड के थ्रू, देखें ये कहीं पे भी आप क्लिक करें और होल्ड करके बैठे रहें तो ये पूरा घुमा देता है इस टाइप से। ये अंदर बाहर अंदर घूम रहा है तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें। और इसके भी साइज़ को आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, ये क्लॉकवाइज है, अब ये इस तरफ को घूमेगा क्लॉकवाइज को, ठीक है। और ये इसकी शेप है, ठीक है, बस ये इतना सा था। अब आगे चलते हैं जी, ये है ट्रैक्टर रिपेल का, तो ये कुछ इस टाइप से है। इसको भी हम क्लिक करके बैठे रहेंगे ना, तो ये देखें ये दोबारा वापस उसी हालत में ला रहा है उसकी उस रिपील वाली कंडीशन को, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से है, ये देखें। अब अगर दोबारा करेंगे ना तो ये रिवर्स में जाएगा इस तरह से, ये देखें ये बैकवर्ड कर रहा है उसको, ये कुछ इस टाइप का है ये। अच्छा, इसको फिर रिवर्स भी कर सकते हैं आप, ये देखें। अब मैंने चेंज किया यहाँ से, तो ये अब उस तरह से चेंज होकर दूसरी तरफ को आ गया, ये देखें, ठीक है, ये हो गया। और ये स्मज टूल है, स्मज टूल, ये थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं जी 200, ये देखें ये इस तरह से है, ये वाला
इस तरह से आप समझ कर सकते हैं ड्रैगिंग थ्रू। ये ऐसे अगर हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरह से होगा, और ये और ना जो लास्ट वे है वो रफ। आप इसको मैं वही 200 करता हूँ ताकि ये 200 पिक्सल्स नहीं ले रहा, ये मेरे पास अब ले रहा है। ठीक है, मेरे लैपटॉप से वो बंद था। तो इसकी जो जो है ना बाहर वाले एरिए उसने लंबा अटैच कर दिया उसको। मैं अंडू करता हूँ, ये सारे असल में मैं एक ही शेप के ऊपर कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वो ऐसे कर रहा है। मैं यहाँ पे एक और शेप ले लेता हूँ। अब मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से ऐसे पकड़ के ना, आप इस तरह से ऐसे ये पूरी इसकी लाइंस को ऐसे रफ कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये 10 है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब देखें इसको, और अगर ये कम कर देंगे तो ये कम कर देगा। ये इसके लाइंस को थोड़ा आप बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, यानी ये अब उसकी ना एक किस्म का ये कंडीशन को चेंज कर देता है। अब मैं न्यू लेता हूँ तो आप यहाँ पे इसको अब देखना, ये अब देखें, ठीक है, ये इस तरह से उस टाइप का कुछ और था। यही सब कुछ है जी, ये वो काम है जो कल हमने छोड़ दिया था, नहीं किया था। अब चलते हैं जी कोरल ड्रा की कलर थ्योरी के ऊपर। मैंने आज कुछ सेक्शन बना लिए हैं ताकि इसकी ना कवरेज जो है ना वो सही हो जाए। तो कलर थ्योरी के ऊपर चलते हैं हम। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे ही हम यहाँ से न्यू लेते हैं ना, तो इसके कलर की थ्योरी में जो प्राइमरी कलर आते हैं वो दो ही आ रहे हैं, CMYK साइन मैजेंटा येलो ब्लैक और GB रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये जो CMYK होता है ना, इसके अंदर हम प्रिंट मीडिया के लिए फाइल बनाते हैं। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है तो मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मैं इस यहाँ से ना CMYK लेता हूँ और ये RGB। अभी आप इस ट्यूटोरियल को वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, किसी ना किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको RGB के जो कलर्स हैं वो सही नज़र आएंगे CMYK की नस्बत। CMYK के जो कलर्स हैं वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। मैं यहाँ से 3 कलर ही लूँगा, रेड और ग्रीन एंड ब्लू हो गया, जैसे कि ये है, और सेम यहाँ पे मैं इधर भी वही लाता हूँ। मैं यहाँ से 100% रेड लेता हूँ और यहाँ से 100% ग्रीन और 100% ब्लू, ठीक है। और अब हम यही कलर यहाँ से लेते हैं जी, चेंज करके अपने CMYK में, ठीक है। हमारा ये आ गया जी रेड, 100% रेड। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप इनका फ़र्क देखें। मैं दोबारा यहाँ से लेता हूँ, अब यहाँ से CMYK लें और यहाँ से आप ग्रीन टाइप भी कर सकते हैं, सॉरी GRWN ग्रीन हो गया और ये ओके। और यहाँ से ब्लू, असल में जो कलर हैं ये दोनों एक ही हैं, BLUE ब्लू, ठीक है। ये दोनों कलर सेम ही है, इनमें फ़र्क नहीं है। जिस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ आप उसको शायद समझ रहे हो, देखने में तो ये चेंज है, मगर प्रिंट पे हम ये कलर लेंगे तो ये वाला आएगा। हमारे पास शार्प नहीं होता वो इतना, प्रिंट में स्क्रीन होती है हमारी शार्प और ये कलर बहुत अच्छा उसके ऊपर शो होता है, जबकि जो हम स्क्रीन पे प्रिंट में लाते हैं तो वो कलर डिम हो जाता है, कुछ इस टाइप का आता है। अब हमारे पास ये 4 बार प्रिंट होता है, साइन प्रिंट होता है मैजेंटा, येलो और ब्लैक, तो फिर जाके हमारा कोई भी एक कलर का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है।
ये एक कलर की जो मशीन्स होती हैं उनके ऊपर एक हमारा जो यानी आप कोई इश्तिहार कह लें या हमारा अखबार कह लें वो 4 बार प्रिंट होता है, फिर जाके वो हमारे चारों कलर प्रिंट होते हैं। जबकि स्क्रीन के ऊपर ये सारे कलर जो हैं ये एक बैक वक्त आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये सारे कलर जो हैं वो इन 3 गनों के थ्रू फ्लो कर रहे होते हैं, वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसमें भी यही RGB का जो है सिस्टम है वही चलता है, प्रिंट में सेम बाय के चलता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है, कुछ कलर्स और होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ से विंडो में जाता हूँ और यहाँ से कलर प्लेट्स, और यहाँ से फिर कलर प्लेट्स और ले लेता हूँ, और हम यहाँ से ले लेते हैं जी लाइब्रेरी में जाके कलर प्लेट्स। ये होंगे जी मेरे पास पेंटोन कलर्स, ये वाला है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से पेंटून। ये हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है पेंटून कलर्स की। आप ये सारे तो नहीं चाहिए मुझे, मैं वैसे आपको दिखा रहा था उसका, मैं इसको बाहर लाता हूँ। ये तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये CMYK कोटेड है, और ये बैज वो कुछ इस टाइप के ही आते हैं। मैं पहले कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे CMY के मनी चाहिए, हेक्सागन भी पड़ा है, मुझे अभी उसके कलर्स की जो नेम है ना वो नहीं मिल रहे। कोलोरा 2019 में जो मैं यूज़ करता रहा हूँ वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं, होंगे तो सही मगर शायद वो नाम मुझे याद नहीं। चलें मैं ये वाले पेंटून की जो पैलेट्स हैं वो ले रहा हूँ। अब आप देखें इन्होंने RGB और CMYK के मसले को हल करने के लिए ना एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई थी पेंटून के नाम से। ये वो कलर होते हैं जो हमारे दोनों प्रोसेस में आते हैं। हमारे पास ये कलर जो प्रिंट मीडिया में भी शो हो जाते हैं, और यहाँ से अभी ये रेड के अंदर तो नहीं आ रहा। अच्छा मैं इसके ना कलर यहाँ से कस्टमाइज में जाके बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ और ओके। हमारे पास यहाँ पे भी कलर ये आ रहे हैं, तो ये कुछ ना मिक्सअप कलर हमारे पास आते हैं इसके, इससे ये ग्रीन हो गया और यहाँ से ये ब्लू। ये कलर जो है ना अभी आपको यहाँ पे इसमें डॉटेड नज़र आ रहे होंगे इन कलर्स के अंदर, ये प्रिंट में भी यही चल जाते हैं और हमारे पास स्क्रीन में भी चल जाते हैं। तो ये जो कलर हैं ये अक्सर औकात यूरोप के अंदर इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेंटून कलर्स को। इनके भी यानी हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में तो CMYK ही चलता है, लेकिन वहाँ मीडिया में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते। तो आप अपने RGB के लिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह में पेंटून को यूज़ CMYK की जगह पे ना करें। चलें ये हो गया, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और कुछ हमारे कलर्स हम यहाँ पे रहने देते हैं, और अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से नया जो हमारा वर्क है वो पैरेलल डायमेंशंस का है, ये डायमेंशंस लेने के लिए है। आप यहाँ से डायमेंशंस ले सकते हैं, पैरेलल डायमेंशंस आप लेना चाहते हैं यानी बिल्कुल सीधी सीधी सी, ये क्लिक और यहाँ पे ला के छोड़ेंगे, ये हमें इसके जो साइज़ है ना उसकी डायमेंशंस जो है वहाँ पे दिखा रहा है। ये हमने यहाँ से डेसिमल लिया हुआ है, आप US इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और फ्रैक्शनल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें वो आपकी मर्ज़ी है, और मैं डेसिमल्स ही में रहने दूंगा। अभी अगर आप यहाँ से इसको मिलीमीटर्स में लेके जाते हैं, मैं यहाँ से इसका जो साइज़ है दोबारा लेता हूँ तो ये अब मिलीमीटर्स में दिखाएगा। सॉरी ये
इस तरह से आप इसको ना ड्रैग करके थोड़ा बाहर भी लेके जा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बाहर निकालने की, लेकिन इसका तरीका कार यही है। नेक्स्ट चलते हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशंस। तो अब ये वही मिलीमीटर्स में दिखाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप ये क्लिक एंड ड्रैग करके लाएंगे और छोड़ेंगे जब, तो ये इस तरह से दिखा देता है। अब अगर यहाँ से मैं एंगुलर डायमेंशन लेना चाहता हूँ, ये यहाँ क्लिक किया, मैं यहाँ लाता हूँ और ये अप, और ये देखें इसने हमें 8.72 डिग्री बता दिया। और यानी अब मैं यहाँ से यहाँ लेता हूँ तो ये हमारे पास एंगल आ रहा है। आप किसी भी एंगल का यहाँ से देख सकते हैं, ये अब ये एंगल आ रहा है 76.41। ये इस तरह की डायमेंशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और नेक्स्ट ये वही सेगमेंट हैं, अगर हमने कुछ इस तरह के सेगमेंट बना रखे हैं उनके हम साइज लेना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से सेगमेंट के साइज ये इस तरह से ले सकते हैं वन बाय वन। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए नज़र आ रहा है जहाँ तक सेक्शन इसका साइज लिया है ना, वो हमें बता रहा है कि ये इसका जो ये साइज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट सेक्शन के लिए होता है। अब नेक्स्ट थ्री पॉइंट जो कॉल आउट है वो ये है, ये लिया मैंने, ये लिया और फिर यहाँ से ये क्लिक किया और फिर यहाँ तक, तो साइज नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे पास पैमाइश नहीं दिखा रहा, लेकिन वो थ्री सेक्शन इसके ले रहा है। शायद इसका तरीका कार कोई और है, ये तीन सेक्शंस का साइज दे सकते हैं आप, बस ये सेक्शन ले रहा है इस तरह से, इस तरह से ये है। अब ये कनेक्टर हैं, ये तो कभी यूज नहीं किया, ये इस तरह से सेक्शन बना सकते हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इनको आप चेंज भी कर सकते हैं इधर, फिर ये क्लिक एंड ड्रैग से, मुझे नहीं पता ये किस लिए होते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे आपको शायद पता हो, मुझसे बेहतर पता हो। ऑटोकैड में ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे नहीं पता मुझे। असल में ना यहाँ मज़ा नहीं आता ऑटोकैड की, जैसे डायमेंशंस होती है ना वहाँ ऑटोकैड पे मज़ा आता है, वहाँ पूरे के पूरे साइज़ आप देते हैं, कोई भी साइज़ के बगैर चीज़ नहीं बनती वहाँ पे। यहाँ पे साइज़ों वाला काम है ही नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी शेडो की तरफ। अच्छा, कलर ग्रेडियंट अब इस तरफ आ जाते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कलर ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं, तो वो थोड़ा आगे है, आज ये पढ़ लेते हैं, इसको थ्योरी को थोड़ा रहने देते हैं। पहला ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कलर थ्योरी कंप्लीट हो गई। तो आज हम इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं, ये बड़े कमाल सी चीज़ें हैं। मसलन मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखता हूँ, कोरल ड्रा, अब हम यहाँ से बोल्ड करते हैं इसको, थोड़ा खींच के बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने लेना है शेडो, शेडो यहाँ से आप इस तरह से क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमें थोड़ा सा आउटलाइन जैसा दिखा देगा, ये हमारा जो है ना शेडो है, साया कहते हैं इसको हम, शेडो होता है ये, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो इस शेडो को कुछ और तरीके भी हैं, जैसे ये अभी इनर शेडो आ गया है, अभी ये कोरा 2020 के अंदर था इनर शेडो, ये अगर इसको मैं रिवर्स करता हूँ ना तो इस तरफ ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। मेरे शेडो के ऊपर क्लास इसकी पहले ये दो दिन पहले आ चुकी है,
आप वहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा नज़र आएगा। अच्छा, उसके अंदर ये मैंने बताया हुआ है, कुछ इसके यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, वो मसला नहीं है कि मैं कुछ स्किप करने वाला हूँ, ऐसी नहीं है बात। अच्छा, शेडो में ना कुछ इसके बने बनाए चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। मसलन मैं यहाँ से शेडो लेता हूँ, तो इसके प्रीसेट्स हैं ये, आप क्लिक करेंगे इसको ड्रैग करके आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, ये हमारे प्रीसेट्स होते हैं। और इसमें कलर होता है शेडो का, आप जो से कलर प्लेट लें, पहले डिफ़ॉल्ट प्लेट हमारी रेड रेड ग्रीन ब्लू है, RGB, आपने ये कलर दिया, ये इसकी थ्योरी है। कुछ यहाँ पे हम करीब ला देंगे तो ये देखें, अब इसको यहाँ से चेंज भी किया जा सकता है कलर को, मैं ब्लैक रखता हूँ। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई आ जाता है। अच्छा, मैंने ये जो साइज़ लिया हुआ है ना पेज का, अगर मैं रेक्टेंगल को बड़ा डबल क्लिक कर दूँ तो उसके सेम साइज़ का हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हम एक बॉक्स के कलर को फिल करेंगे, थोड़ा मैं लाइट सा कलर ले लेता हूँ, ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे हम वापस अपने शेड पे क्लिक करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो शेड के ऊपर देखें क्या फ़र्क पड़ता है, अभी कुछ फ़र्क नहीं है। तो वन बाय वन आप चेक करें, ये ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया डिफरेंस, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड, ये देखिए वाइट सा हो गया, डिवाइड हो गया ना उसके साथ। इफ लाइटर, इफ डार्कर, ठीक है, टेक्सचराइजर और हु, और यहाँ से कलर, और ये सेचुरेशन, और ये वन बाय वन आप चेक करेंगे, आपके साथ जो भी मैच करते हैं आप वही लगा देंगे। मैं यहाँ से इसको नॉर्मल रखता हूँ, और इसमें कुछ और चीज़ें हैं तो वो बता देता हूँ मैं आपको। मसलन मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 100, तो ये 100% हो जाएगा, और इसका कलर जो है 100% ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लर नहीं कर रहा ये, तो ब्लर करने के लिए आपको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, 22 करता हूँ तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से ब्लर कर रहा है अब। और इस 100 को मैंने 100 आपको बताने के लिए इसकी वैल्यू दी थी, 55 कर देते हैं तो 22 है, मैं इसको 8 कर देता हूँ तो, और ये 55 भी ज़्यादा है तो 45 रखता हूँ, 88 है तो इसको 4 कर लेते हैं, वो 8 ज़्यादा नहीं था, सही था। और इस कलर को आप थोड़ा लाइट कर लें, या यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मसलन ये गर्जियन ब्लोअर, यही था ये पहले, ये इनसाइड, और ये मिडल, और ये आउटसाइड सिर्फ बाहर बाहर कर रहा है इसको, और ये एवरेज, ये शेड के ही चीज़ें हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको इनसाइड रखता हूँ तो ये एक और सेक्शन खुलेगा, इसके अंदर ये लीनियर है, फिर स्क्वाड है, बिल्कुल हार्ड कर देता है, इनवर्स, ये देखें ये अंदर की तरफ जा रहा है जैसे इम्बॉस हम करते हैं अंदर की तरफ, और ये बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट में हमें बिल्कुल ये तकरीबन इस तरह से दिखाई देगा। मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा तो ये देखें, ना होने के बराबर नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं इसको आउटसाइड रखूं, और अब ये देखें इन्वर्स करते हैं तो ये देखें, ये वाला है, तो इसको हम लीनियर रहने देंगे, और ये इसको गैजियन ब्लूअर, ये हमारी एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगली चीज़ ये है कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आप क्लिक करें, कॉपी करना है हमने इसमें से, देखें वैसा का वैसा ये बन गया, ये इसलिए होता है, आप दूसरे की प्रॉपर्टीज को वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो है क्लियर शेडो, अब ये शेडो का इफेक्ट ही हटा दे इससे, ये इसलिए होता है। अच्छा, अगली चीज़ है कंटूर टूल, मैंने ये क्लिक किया और ये बाहर की तरफ लेके आता हूँ, ये देखें एक भद्दा सा डिज़ाइन इसके बाहर बन गया।
अच्छा, मैं इसका कलर जो है अंदर वाले का यहाँ पे रेड कर देता हूँ। और ये क्या हमारे पास क्या बना है, ये बाहर प्रीसेट्स हैं इसके, इनवर्ड ओवर बता रहा है, थोड़े हम इसको बढ़ा देंगे, और ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड अंदर की तरफ वो 6 mm से ज़्यादा है इसलिए ऐसे दे रहा है। मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। अब ये इनवर्ड की तरफ भी आएगा, ये इनवर्ड है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड ये देखें, अब ये अंदर की तरफ जा रहा है। पहले ये आउटवर्ड तो जा रहा था, इनवर्ड नहीं जा रहा था क्योंकि साइज बढ़ गया। मैं दोबारा से इसके साइज को 0.5 करता हूँ और यहाँ से ये इनवर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ से भी इसको लिया जा सकता है ऐसे। अच्छा ये देखें, ये कुछ अच्छा लग रहा है हमें, इसका कलर भी आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, वही RGB में रेड कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से इसको रेड की बजाय कोई और कलर देता हूँ, यानी येलो हो गया, या आप वाइट कर दें, और ये 0.5 को हम कम करते जाएंगे, तो ये देखें कितना प्यारा इफेक्ट बना, ठीक है। ये हमारा कंटूर टूल है, मैं इसको नीचे लाता हूँ, इसको इसी हालत में छोड़ देते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और ये अगर बढ़ा दिया यहाँ से, और इसके जो हमारे सेक्शन है ये बढ़ाते जाएंगे और पॉइंट कम करते जाएंगे, ये ज़्यादा कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये देखें ये उसी हालत में आ रहा है जो वहाँ पे फुली एक दफ़ा में बन गया था, लेकिन अब हमारे जो पॉइंट्स हैं ना वो बढ़ रहे हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स हो गए हैं, ये देखें ये बढ़ रहे हैं, 64 पे स्टॉप हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 64 पॉइंट्स इसके बने हुए हैं। ये देखिए, मैं वन बाय वन अगर इनको ड्रैग करके बाहर लाता हूँ, तो ये देखिए कितने चीज़ें हैं ये, ठीक है, ये 64 ही हैं। इस तरह से आप कितनों को ड्रैग करेंगे, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमारा पीस ये सारे बने हैं। वन बाय वन उसने 64 पॉइंट बना के ना हमें इतना प्यारा सा इफेक्ट बना के दिया है ये वाला, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब ये समझ आ गई। और अगर मैं इसको आउटवर्ड करता हूँ इस तरह से, ये बाहर की तरफ 64 नहीं करता, मैं इसको 9 कर देता हूँ, और 0.5 के बजाय इसको मैं 5 पूरा दे देता हूँ। और कलर आप यहाँ से कोई और ले सकते हैं, ये वाइट है तो वाइट को येलो पे ले जाएं, ठीक है। अब हमारा कुछ नज़र भी आ रहा है, अब हम इसको डाउन करते हैं, देखें ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ से इसको मेटेड कॉर्नर दिया हुआ है तो राउंड कॉर्नर दे देते हैं, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। इसके साइज़ को आप कम करेंगे और यहाँ से इसके जो पीसेज हैं वो बढ़ा देंगे, फिर कम करते हैं, यहाँ से बढ़ाएंगे, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और अगर बेवल कॉर्नर कर देते हैं तो ये जो कॉर्नर है ना हमारे वो कट में नज़र आएंगे। आप यहाँ से बढ़ा दें और इसको फिर कम करना है तो ये ज़्यादा कम हो गया, इससे कम नहीं होता, ये देखें, और ये रेड कर देते हैं तो ये ऐसे आएगा, ब्लैक है, इस टाइप से ये कोई भी कलर देंगे आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। और 0.5 आ रहा है, 0.25 करता हूँ मैं, 91 हो गया, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसको 12 कर देते हैं, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। देखिए इफेक्ट कितना प्यारा लग रहा है, ये राउंड कॉर्नर कर देते हैं, मुझे वो ज़्यादा प्यारा लगता है, ये सेंटर की तरफ, ये वाले दोनों ही, और ये आउट, ठीक है। अब ये इस तरह से कुछ इसको ना आप अंदर की तरफ से सेक्शन कम कर सकते हैं और ये बाहर की तरफ से फ्लैटन बढ़ा सकते हैं, इसको इसके हालत में ही रहने दे सेंटर में तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद इफेक्ट ख़त्म करना है तो वही चीज़ लास्ट में,
क्लियर इफेक्ट करें। अब ये भी खत्म हो गया, ठीक है। मैं अंडू करता हूँ और इस इफेक्ट को हम नीचे रख देते हैं। इसको हम जो है कंट्रोल टूल को क्लियर कर देते हैं। अब चीज़ आ गई ब्लेंड वाली। ये ब्लेंड जो है ना, बहुत प्यारी चीज़ है। वैसे तो मैं इनके ऊपर, इफेक्ट्स के ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, लेकिन आज जो है ना, हमारा कुछ तरीका कार ये है कि हम स्टार्ट टू एंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, ये ऐसे बना। और अगर मैं यहाँ पे इस कलर के ऊपर क्लॉकवाइज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और हमारा ये फर्स्ट वाला है ये बैक पे चला गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ, ठीक है। ये अप पे आ गया। आउटलाइन नहीं दी हुई, राइट क्लिक करके वाइट ले लें आउटलाइन, और यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से लें ये सेंटर, ये सेंटर, ये इस तरह से, ये 6 पॉइंट्स में लेके ओके कर देता हूँ। ये कुछ हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर मैं इन कलर्स को वापस इसमें लाता हूँ और इस कलर को सिलेक्ट करके येलो कर देते हैं, इसका आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ मैं, और इसको हम इस तरह से ड्रैग करके आप ले जाते हैं। इसका साइज़ जो है वो हम 7 कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से 20 है, मैं 50 कर देता हूँ। और इसको कलर ग्रेडियंट अगर दे दें, ये हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल है, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके अप करता हूँ। अच्छा, ये देखें इफेक्ट कलर ग्रेडियंट का कितना खूबसूरत इफेक्ट बना। ये देखें, ये हमारा ग्रेडियंट का इफेक्ट है। अब हमारे पास ये जो जितने पीसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से 100 कर दूँ, कुछ कम हो गए, और अगर 200 कर दूँ और कम हो गए, 500 कर दूँ, तो ये तकरीबन अब नज़र नहीं आ रहे। ये देखें, ये 300 तक, 400 तक भी नज़र नहीं आने थे। जो मैंने ये इफेक्ट यहाँ पे दिया था, यहाँ पे वो एंड तक इस तरह से उसके ऊपर मर्ज हो रहा है। ये देखें, रेड कर दें, कोई भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो उसने पूरे के ऊपर इस तरह से इफेक्ट कर देना है, और ये कितना खूबसूरत बना है। ये हमारा था ब्लेंड टूल, ठीक है। अब इसके हम जो सेक्शन है ना, उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम यहाँ से आते हैं जी स्ट्रेट। अच्छा, ये हम पसंद आ गया है, तो यहाँ से हम ऐड टू प्रीसेट करते हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं MSB, और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब हमारे ये जो ये वाला इफेक्ट है, ये हमारे MSB के साथ यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर हम यहाँ से 8 स्टेप कर लेते हैं तो ये आएगा, ये वाला लेते हैं तो ये आएगा, यहाँ से 20 वाला लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। आप ये बढ़ा भी सकते हैं, 20 ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ से 100 ले लेता हूँ, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये रोटेशन वाला है, तो ये देखें, ये रोटेशन वाला आ रहा है। आप ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से इसकी डिग्री कम कर देंगे। ये देखें, रिवर्स में ले जाएं बेशक, ये चीज़ इसके अंदर है। और ये लूप है, इस टाइप से वही लूप है, ये भी हर चीज़ वही है, बस इसी को थोड़ा उन्होंने आगे पीछे करके ना बनाया हुआ है। अगर MSB वाला लेते हैं तो सेम उसी पे हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, ये 500 लिए हुए हैं, इनको मैं 10 कर देता हूँ यहाँ से। और अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करता तो ये कुछ ऐसे है। ये हमारी डिग्रियाँ हैं, 45 डिग्री पे लाता हूँ अगर मैं, तो ये हाफ 90 हो गया, और 15 डिग्री है तो ये हो गया, 5 डिग्री देते हैं तो ये है, 0 डिग्री इज़ द बेस्ट, ठीक है। ये हो गया ये वाली चीज़। एक और चीज़ यहाँ से हमने ये पढ़ा था, ये बहुत एडवांस लेवल की अब चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से ना एक इस तरह से ना कोई चीज़ बना देता हूँ।
इसको मैंने सिलेक्ट किया इस तरह से, ये लिया और यहाँ से राउंडेड कर दिया। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, कुछ सेक्शन इसके ना ऐसे बना देते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब करते ये हैं, हम यहाँ से एक सर्कल लेते हैं इस तरह से, फिर एक बॉक्स लेते हैं, इस सर्कल को ब्लेंड करते हैं हम इस बॉक्स के साथ। दोनों में कलर नहीं फिल किए, वन बाय वन दोनों में आप फिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ऐसे आएगा, आप इसको एक सेक्शन को पकड़ के आगे पीछे करेंगे तो ये आपको पूरा दिखाई देगा कि किस तरह से ब्लेंड हुआ है इसके अंदर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप्स आएंगी। ये हमारे पास जो एक्स वाई साइज हैं इसकी हमें कोई ज़रूरत तकरीबन नहीं है, इसको आप बढ़ा ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल दे सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है एंगल की। अब ये हम लेते हैं न्यू पाथ, यहाँ क्लिक किया तो इस वाले एरिया को मैं पाथ यहाँ से न्यू दे देता हूँ। ये क्या, ये तो एक जगह पे इकट्ठा हो गया, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ से जाएंगे, ये ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, तो ये पूरे के ऊपर घूम गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इस शेप को आप अगर छोटा बड़ा करते हैं तो इस तरह से इसको भी आप चेंज अप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो पाथ था ना उसके ऊपर ये पूरा लॉन्ग हो गया, और मैं इस शेप को कंट्रोल क्यू करता हूँ और यहाँ से ना थोड़ा सा शेप को और अजीब सा कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी शेप जिस शक्ल में होगी ये उसी शक्ल में उसको कन्वर्ट करके सर्कल में ले जाएगा, ठीक है। और अगर कलर चेंज करते हैं यहाँ से तो ये इस तरह से आएगा। दोनों को रेड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें, ये 20 कलर उसने बनाए हैं। अगर हम यहाँ से कम ज़्यादा करें तो ये बिल्कुल शेप उसके ऊपर घूमेगी। ये दोनों का हम आउटलाइन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत सी चीज़ आएगी। और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके अगर हम राइट क्लिक कर दें तो हमारी लाइन जो है ना वो गायब हो जाएगी, उसका कलर हमने हटा दिया, हालांकि वो लाइन तो हमारी मौजूद है, ठीक है। ये नीचे, अब मैं राइट क्लिक करके इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों की हम कलर हटा देते हैं, लाइन हमारी जो है ना वो मौजूद है। अच्छा, ये तो ये हो गया था, हमने एक कस्टम सी शेप बनाई थी और इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ इस तरह से एक सर्कल, और ये हमारी जो ब्लेंड की हुई चीज़ है इसको हम दोबारा से न्यू पाथ देते हैं यहाँ से इस सर्कल का। लें जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी जो चीज़ थी वो पूरी इस सर्कल के ऊपर अप्लाई हो गई। अब सर्कल के ऊपर अप्लाई होने के बाद इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, सिलेक्ट करें यहाँ से, थोड़ा इस टाइप का कर लें। अब अगर ये ब्लेंड इस तरह से करेंगे तो ऐसे आएगा। ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो एक्सेलरेशन है इसको कम ज़्यादा यहाँ से भी किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। अगर ये लॉक हटा देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक तरफ को जाएंगे, कलर वहीं पे रहेगा। अब अगर इसको सर्कल कर लें, इसको भी सर्कल कर लें और लॉक लगा दें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, मुझे इसी कंडीशन में अच्छा लगता है। मैप्स के नोड्स देख सकते हैं आप, इसके जो नोड्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये इसके नोड्स हैं, ये इसके नोड्स हैं, ठीक है। ये हमें पूरे नोड्स चेक करवा सकता है और ये सेपरेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा सेपरेट हो चुका है अभी, ये देखें अभी अलॉन्ग द पाथ है। अब हमारा ये जो पाथ है ये वाला, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये ब्लेंडिंग अलॉन्ग फुल पाथ करेंगे तो ये। और अगर मैं यहाँ से रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट करता हूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो
एक खास डायरेक्शन में जो जा रहे थे ना ब्लेंड होने के लिए, वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ये इसके लिए है। अच्छा कुछ और चीज़, ये ब्लेंड टूल बहुत लेंथी हो गया है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। अगर मुझे, मैं अपनी सारी शेप्स ना उठा के एक तरफ को कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने क्या करना है रख के। अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से एक बॉर्डर बनाया है, मैं बॉर्डर को भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हम बॉर्डर का भी बनाया हुआ था, ये बॉर्डर डिज़ाइन इंक्लूड रहा, ठीक है, वो इसी के अंदर आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ इस तरह से। लेकिन ये सही नहीं आया, इसका तरीकाकार दो है। आप यहाँ से लें, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके इस तरह से बना लें, या आप यहाँ से 5x5 का साइज़ लेंगे, उसके मुताबिक कर लेंगे। मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन की एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ, वो मैं यहाँ से लेता हूँ ना, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो पता नहीं चलेगा। तो एक बहुत कमाल सी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको लाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इस नीचे वाले सेक्शन के, इस रेड बॉक्स के नीचे वाली लाइन के बराबर हो, तो यहाँ से आप लाएं नीचे और ये इस तरह से ड्रैग करके माउस यहाँ इसके बराबर कर दें, ठीक है। और ये अगर हम इस तरह लाते हैं तो ये भी ऐसे, ठीक है, कितना ज़बरदस्त हो गया। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लाना है, यहाँ इस नोट से पढ़ के यहाँ पे रखें, सेम वैसे। ये ट्रिक तकरीबन आपको नज़र नहीं आई होगी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को, दूसरों के भी ट्यूटोरियल देखता रहता हूँ, और ये चीज़ मुझे कहीं पे भी नज़र आई नहीं आई, इसको मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ये एक किस्म का बॉक्स बन गया। मैं यहाँ पे छोटी सी कोई भी सी ना एक चीज़ ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा ये सिक्स शेप्स का बॉक्स है। अच्छा, इसको यहाँ इसके ऊपर लाएंगे ऐसे, और इसको ड्रैग करके इसके बराबर कर देंगे, ताकि ये ज़्यादा ओवर ना जाए, और टॉप लेफ्ट कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ रखता हूँ ऐसे। इसको मैंने कलर दे दिया यहाँ से पिंक और यहाँ से ब्लू, साइन मैजेंटा जो दोनों दे दिए मैंने। इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी सेम वैसे, मैंने कंट्रोल आर किया, ये टॉप लेफ्ट, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं सेंटर में एक अंदाजे के साथ। मैं यहाँ से ब्लेंड टूल दोबारा लूँगा और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दूँगा, और ये 20 को मैं कर दूँगा 200, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ न्यू पाथ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखें, ये हमारा ये पूरा का पूरा इस पाथ के ऊपर आ गया, ठीक है। और अगर मुझे वो पाथ नहीं चाहिए होता, या मैं इस पाथ को अगर यहाँ से अब रोटेट करता हूँ, कॉर्नर से गोल करता हूँ, तो ये भी साथ साथ रोटेट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कलर स्केच ब्लेंड कर देता हूँ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। अगर इन दोनों का कलर मैं सेम कर देता हूँ और फिर ब्लेंड करते हैं, तो देखें और ख़ूबसूरत हो गया, ठीक है। ये ब्लेंड का एक, यानी मैं कमाल दिखा रहा हूँ आपको ब्लेंड का। और अगर इन शेप्स को आप यहाँ से चेंज करते हैं, सिलेक्ट करके इसको स्टार बना लेते हैं इस तरह से, और इसको भी आप बाहर की तरफ स्टार बना लेते हैं, तो ये पूरा इस तरह से होगा। ये लेकिन लाइन छोटी बड़ी हो रही है, क्योंकि एक शेप को हमने बड़ा किया, एक को छोटा। और अगर यहाँ से रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट करते हैं, तो हमारे रोटेट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट भी साथ में, और साइज एक्सेलरेशन तो चाहिए ना। और ये न्यू स्टार्ट, अगर आप यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं और
इसका कलर हम येलो ले लेते हैं, आउटलाइन रिमूव। यहाँ से हम लेते हैं जी इसको, और ये लेते हैं न्यू स्टार्ट, और यहाँ क्लिक करते हैं। ये न्यू स्टार्ट नहीं ले रहा, अच्छा कह रहा है इसके बिहाइंड में होना चाहिए, अभी उसके अप में है। मैं शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ और अब ट्राई करते हैं, देखें अभी ये इसके सेक्शन के ऊपर आ गया है। ये देखें उसने क्या किया, वो पूरे को ना उसने इसके ऊपर ब्लेंड कर दिया। मैं किसी पे कलर फिल करता हूँ तो देखें आउटलाइन देता हूँ, ये देखें उसने क्या किया, उसने उस पूरे को ना इसके साथ ब्लेंड कर दिया। हमें ये नहीं चाहिए था, लेकिन उस तरह से ब्लेंड भी किया जा सकता है जैसे हम देख रहे थे। और अगर ये पाथ हम स्पिरल ले लेते हैं इस तरह से, ये मैं देता हूँ 12, ये ज़्यादा हैं, अभी भी ज़्यादा हैं 12 वाले भी, 5 इस तरह से। हाँ जी अब ठीक है, इसको ब्लेंड करना है इसके साथ। अच्छा आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ये चीज़ बहुत फ़ायदा मंद है। अगर आपको कोरोड्रा में इंटरेस्ट है, अगर आपका ये शोभा है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं खुद बोर हो जाता हूँ इतना लंबे ट्यूटोरियल बनाने में, लेकिन मकसद ये होता है कि आपको समझ आनी चाहिए। और यानी मेरा जो टाइम इसमें मैं अपना वेस्ट ही कर रहा हूँ, तो आपका भी इसमें फ़ायदा होना चाहिए कि न्यू पाथ ये, और यहाँ से लॉन्ग फुल पाथ, ये कुछ इस तरह से आया। ये हमारे जो बॉक्स हैं वो कम है, 50 है तो 200 करते हैं, मैंने 20 कर दिया। ये देखें, और इस तरह से आप किसी भी कलर को इस तरह से ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये देखें अगर कलर डार्क हो जाए तो आप इसको कंट्रोल के करें, कंट्रोल के किया मैंने, और ये पड़ा रहे, और इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, और सारे को सिलेक्ट करके आप यहाँ से अगर अनग्रुप करके मर्ज कर दें, नहीं वेल्ड नहीं करना, ग्रुप रहने देना है ऐसे ही, तो वेल्ड करेंगे तो फिर तो एक हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ये शेप्स बना सकते हैं। ये ब्लेंड वाला हो गया। अब है हमारे पास एक चीज़, अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि सर लोगों का साइज़ क्या रखें। लोगों का साइज़ जो है वो बिल्कुल सिंपल है, पिक्सल में जाएं यहाँ से, और हमारा जो लोगों का साइज़ है वो हमारा 800 और 800 कर दें। और ये जो साइज़ है इसके अंदर अगर आप सर्कल में बना लें, यहाँ से मैं यहाँ से स्नैप को गाइडलाइन को ऑन करता हूँ, यहाँ से पेज को दोनों को यहाँ सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके लिया, और यहाँ कॉर्नर में इस नोट तक लाता हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना एच ओ आएगा, ऐसे ही सिंपल सा लोगो बना देता हूँ, तो कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। मैं वैसे एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, कंट्रोल क्यू कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ऐसे बॉक्स लेता हूँ, वैसे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मुझे बॉक्स दूसरा लेना चाहिए था, ये वाला 3 पॉइंट्स वाला, एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट्स तक लिया, और ये अच्छा। अब मुझे ये यहाँ से ट्रिम करना है, लेकिन ये साथ में जाएगा, तो अनग्रुप करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, फिर बॉक्स को, और यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, मैंने ट्रिम नहीं किया, कुछ गलत कर दिया, ये कर दिया ट्रिम, अच्छा वो ट्रिम हो गया, इसको सेलेक्ट किया, फिर वाई को सेलेक्ट किया, और यहाँ से ट्रिम, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। देखिए मैं खुद इस मसले से निकल लूँ फिर बताता हूँ।
हाँ जी, इसको बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, कलर फिल कर देता हूँ और फिर ये वाई को यहाँ से ट्रिम कर दिया, हो गया, शुक्र है। कभी कभी ये चीज़ इस तरह से लड़ जाती है। मैं बी प्रेस करूँगा तो इस तरह से आएगा ये वाला। मैंने इसको हाफ किया था ऐसे, और अब मैं इसको यहाँ से रोटेट करके हाफ इस तरफ लेके आता हूँ और फिर इस नोड को इसके सेंटर में ऐसे, ठीक है। अब इस दोनों वाई को हम लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया और फिर से ये नोड सेंटर वाला पकड़ा इसके सेंटर में। अब मैं थोड़ा सा कलर जो है ना इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ये फिल कर दिया, और ये वाला लिया तो ऊपर की तरफ ये फिल कर दिया, और ये हमारा जो वाई है, एच है, इसको इस तरह बना दिया। ये कुछ यानी सिंगल कलर में भी लिया जा सकता है वैसे। और कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया, पी प्रेस किया, सेंटर में आ गया और ये हमारा लोगो है जी। ऐसे एक सैंपल के तौर पर मैंने लिया था, अगर आप चाहें तो ये सिंगल भी रख सकते हैं इस तरह से, और अगर इसको थोड़ा से दूर कर दें तो भी ये सही लगेगा। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा किया ये। अच्छा, इसको एक कलर में भी किया जा सकता है। अब शेडो दें हल्का सा, ज़्यादा नहीं देना, ये इनर है तो ये आउटर देना है। कलर चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी आप फिल कर सकते हैं, इसके अंदर भी सिंगल कलर, जो आपका लोगो का कलर हो या आपका ब्रांड कलर कह सकते हैं वो हो, आप वो दे सकते हैं। आउटलाइन रिमूव करता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं, आउटलाइन का कलर दे के उसको बोल्ड कर दें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। और ये इसको थोड़ा ब्रीक सी लाइन दे दें और फिल रिमूव कर दें, ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है। उसको एक्सपोर्ट करें, आपका ये लोगो तैयार है। और ये कलर को भी चेंज किया जा सकता है इस तरह से। अब अगली चीज़ चलते हैं जी, लॉन्ग शेडो। लॉन्ग शेडो क्या चीज़ है? इसको कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ और इसका फिल जो है वो मैं हटा देता हूँ। इसका शेडो दिया हुआ है, क्लियर करते हैं। लॉन्ग शेडो इसकी लास्ट चीज़ है ब्लैक शेडो के नाम से। यहाँ पे क्लिक किया और इस तरफ ले आया। अब इसको मैंने कंट्रोल के कर दिया, ठीक है, इसमें कलर फिल कर दिया ये डार्क वाला। अब इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप और इसके इनसाइड कर देते हैं। इसके नहीं करना था, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, पावर क्लिप और ये इसके इनसाइड, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। अब कंट्रोल क्लिक करेंगे और ये वाला इस तरह। कल मैंने सिर्फ टूल पे काम किया था तो मुझे फील हुआ कि वो मुझे बहुत बोरियत बोरियत सी फील हुई, और यानी एंड में कोई काम भी नहीं कर सके, तो मैंने आज कुछ चेंज किया। मैंने कहा कि इस टाइप से होना चाहिए कि हम कुछ काम भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस टूल्स 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 होते हैं काम के लिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो टूल्स का फ़ायदा नहीं है। इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ क्योंकि वो लॉन्ग शेडो नज़र नहीं आ रहा था। इसको वाइट या लाइट सा कलर कोई दे दें, इसको आप वाइट कलर दे दें बिल्कुल, और ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये लॉन्ग शेडो नज़र आ रहा है आपको, ये लॉन्ग शेडो इस तरह से बनाए जाते हैं। कलर इसमें भी वाइट किया और इसको भी हम कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं अपनी चॉइस का। ये चीज़, ये वैसे मुझे इस टाइप का कलर पसंद तो है नहीं, मुझे जो पसंद है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें फल इसमें इस तरह से कलर फिल किया, सिंपल सिंपल सा, अंदर वाइट किया इसको, और यहाँ से लॉन्ग शेडो लेके इस तरह कंट्रोल के इसमें जो फिल है ये दे दें, पावर क्लिप
और ये ठीक है। ये इस टाइप का मुझे कलर, यानी सिंगल कलर में ना सिर्फ दो कलर होने चाहिए, मुझे इस टाइप का पसंद है। यानी ये ऑरेंज कर दिया, आउटलाइन को थोड़ा रेड कर दिया, और इसके अंदर जो है इसको भी ऑरेंज, नहीं वो रेड आएगा ताकि नज़र भी आए। थोड़ा सा डार्क करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कलर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के कलर मुझे, यानी सिंगल टाइप के कलर अच्छे लगते हैं, और ये हमारे लोगो बड़े अट्रैक्टिव से होते हैं। इनको फ्लैट लोगो कहते हैं, ये हमारे फ्लैट लोगो होते हैं। सेम वैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क सा कलर ले लें, ये फ्लैट लोगो है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हो गया डिफॉल्ट ब्लेंड तकरीबन हो गया, और ये डिस्टॉर्ट है ना जो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं यहाँ से यही ले लेता हूँ, इसको फ्रेम जो है ना ख़त्म कर देता हूँ, और ये ऐसे रख देते हैं। अगर मैं डिस्टॉर्ट को लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये देखें तीन इसके ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कुछ ले सकते हैं, कोई आपको अगर इनमें से अच्छा लगता है तो वो ले लें, नहीं तो आप इनमें से ले लें। ये इसके जो है ना वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट लेता हूँ मैं, और ये क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं, लें जी रिजल्ट आपके सामने है, जो हमने कार्टून बनाना था बन गया। और अगर इसको इस तरह से लेते हैं तो ये देखें कंट्रोल जेड 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 एंड जेड, ये हो गया, ये देखें। और अगर मैं इसकी तीन शेप्स लेता हूँ इस तरह से, और टी प्रेस किया, ये फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो सर्कल था वो बॉक्स बन गया। दूसरे को सेलेक्ट किया, दूसरी शेप ली, इसको लेता हूँ 5, और मैं अगर इसको लेता हूँ 4, अब देखना। ठीक है, और इसके दो ऑप्शंस और भी हैं, देख लें। मैं वैल्यू के साथ चल रहा हूँ तो ये कुछ सीधी सीधी सी शेप आ रही है, अदरवाइज ये अजीब ही हो जाती है। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के इसके दो ऑप्शन हैं, वही 6 और टैब प्रेस करके 5, और अब देखते हैं। हमें कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया तो हम बढ़ा देते हैं इसको 20, नहीं 9 से ऊपर नहीं जा रहा। और अगर इसको बढ़ा दें, ये बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तो, और ये इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ये है और ये क्लॉकवाइज है, ये इस तरह से आएगा। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने नाम से, यहाँ पे ये इसने ऑप्शन यहाँ प्लस का भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो है, इसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, इसके अंदर हमने वैल्यूज कुछ बहुत कम दे दी थी, ये देखें, ये देखें ये वाली। और अगर यही चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो सिस्टम हेल्ड हो गया। इस तरह से भी होता है, मैं अंडू करता हूँ, फिर अंडू, और ये अंडू, और ये ख़त्म यहाँ तक। हो सकता है ये आपको समझ आ गया हो इनका यूज़ क्या होता है, मैं आपको वो ज़रा बता देता हूँ। मसल मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ ऐसे, और अब मुझे इस लाइन के अंदर कुछ सेक्शन चाहिए, मैं ये लूँगा। वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपने तकरीबन नहीं देखी होगी। यहाँ पे मैं देता हूँ जी सेक्शन इसके 8, और इसको देते हैं जी 6। ठीक है, ये 6 हैं तो 20 कर देते हैं, ये देखें आप। और अगर मैं इसको 8 को बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, अब इसी वैल्यू को आप किसी भी चीज़ के ऊपर, मसलन में ये सर्कल है,
सेम इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, यानी ये 25 और ये 20। तो ये देखें पूरा का पूरा वो बन गया। और अगर हम इसको इस तरह से मैन्युअली ड्रैग करेंगे तो वो ये शक्ल अजीब सी बना देगा, ऐसे हर बार एक नई चीज। कलर फिल करके देखें अजीब सा ही हो जाएगा। ये देखें और मेरे ख्याल में आज तक आज यहाँ तक बहुत है। कल से इनवेलप भी काफ़ी, यानी एक लंबी चौड़ी चीज़ है और ये दो चीज़ें रह गई उसके ऊपर करेंगे। आज यहाँ तक बहुत है, कल हम इससे आगे चलेंगे। और जहाँ तक बहुत है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।